देखिए आप सभी गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट से ये कहना है कि इस वीडियो लेक्चर को आप कंट्री वाइड स्प्रेड करा दीजिए और आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, हम लोग चल रहे हैं इस क्वेश्चन पर। ये ट्रायंगुलर फिक्स्ड ट्रायंगुलर सरफेस है जिसका 45-45 इंक्लिनेशन है, ऑब्वियस ये 90 डिग्रीज होगा, और M और 2M दो ब्लॉक जो कि लाइट थ्रेड से कनेक्टेड है, पुली भी लाइट है भाई साहब, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, और रेफरेंस दिया हुआ है, बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग अभी चलेंगे डिटेल्स में। A और इसके बीच, इस इंक्लाइन सरफेस के बीच का रफनेस कितना दिया हुआ है, 2/3, मतलब म्यू ज्यादा होगा तो आप बोल सकते हैं कि रफनेस क्या होगा, ज्यादा। और ये देखिए B और इस सरफेस के बीच में कितना रफनेस है भाई साहब, 1/3, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रफनेस को रिजेंबल ये करता है, शो करता है ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, कि ये M मास है, ये 2M मास है, इस ब्लॉक का नाम A और इसका B है, और आपको क्या निकालनी है कि इसमें कितना फ्रिक्शन हुआ होगा A में, फिर एक्सेलरेशन क्या हुआ होगा दोनों का, और फिर टेंशन क्या होगा। ये 3 पैरामीटर्स को हमें सॉल्व करना है, ओके। अब देखो, देखिए भाई साहब, इसको सॉल्व करने के लिए हमको फ्रिक्शन को समझना पड़ेगा। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब है, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है, मतलब फ्रिक्शन निर्भर करता है, डिपेंड करता है बाहरी कंडीशन पर। बात को समझिए जीनियस, है ना। जैसे एक एग्जांपल से चलते हैं, जैसे ये सरफेस 1 पर सरफेस 2 रखा हुआ है और हम भैया फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, एफ एक्सटर्नल, तो हम बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, एफ कैपिटल एफ, और ये वेरिएबल है, तो ये पीछे फ्रिक्शन लगेगा। आप जैसे जैसे ये बढ़ाते जाएंगे, ये फ्रिक्शन भी ग्रो करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसको बढ़ाइएगा ये भी बढ़ता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जीनियस कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ये भी लिमिटिंग होगा, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर, और दिखेगा जीनियस। और जब आप इधर से फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये सरफेस इधर फ्रिक्शन देगा। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन, आप मेरी बात को गौर कीजिए, फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है। तो होता क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मेरा बात को समझिएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होने के कारण फ्रिक्शन को सॉल्व करने में आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सूझबूझ से आपको चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अचानक आप इसको हैंडल नहीं कर सकते, सडनली आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर के कारण ये सॉल्व करने में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमको ये 3 पैरामीटर्स को निकालनी है। तो पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता नहीं है, आपको हमको कुछ पता नहीं है कि हाँ भाई बी जमीन से कितना फ्रिक्शन लेगा। आप ये बताइए, इस सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई एम मास का ब्लॉक रखेंगे तो अधिकतम मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन जमीन से लेगा और जमीन को देगा, तो आप जानते हैं म्यू इंटू नॉर्मल, यानी म्यू, और अगर ऐसे रखा हुआ है तो नॉर्मल क्या होगा, एम जी, मीन्स जमीन से मैक्सिमम फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल ही ले सकता है, जीरो से म्यू इंटू नॉर्मल जमीन से लेगा, और जमीन को देगा भी न्यूटन थर्ड लॉ से, बस आप इस बात को समझिएगा। तो उसी इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, ओके। तो देखिए, बी जो है वो इसका मास 2m है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको आइडिया नहीं है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किसमें क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमको कोई आइडिया नहीं है। तो वेरी फर्स्ट आपको ये थ्रेड भूलना पड़ेगा, इस थ्रेड को पहले अभी हम लोग सोचना बंद करते हैं, इस थ्रेड को, ओके दोस्त। अब देखिए भाई साहब, इस पर 2m पर आप देखिए कितना फोर्स लग रहा है, तो 2m पर कितना फोर्स लग रहा है, तो सरफेस के पैरेलल अर्थ इसको नहीं छोड़ने वाला, तो अर्थ कितना फोर्स लगाएगा भैया, m मींस 2m, mg साइन थीटा, द एम जी और साइन 45 कितना होगा, ये होगा भाई साहब साइन 45 कितना होता है, 1/√2।
तो अर्थ इसको सरफेस के पैरेलल पुल करेगी 2mg/√2 से। अब आप ये देखिए, ये दोनों के बीच में रफनेस प्रेजेंट है 2m और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, तो ये इस पर कितना फ्रिक्शन, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन ऑफर करेगा, तो पहले आप वो देख लीजिए। तो जब ये नीचे गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, FB, तो FB कितना होगा, म्यू, आपने पढ़ा है ना कितना होता है फ्रिक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है mg cos थीटा, इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल क्या होता है भैया, mg cos थीटा। तो आप ये देखिए, म्यू तो आपको पता चल गया, फिर m कितना है, m है 2m, फिर g, और cos थीटा क्या है, cos थीटा है 1/√2, क्योंकि कितना होगा cos 45, कितना होगा 1/√2 होगा। ओके साहब, तो आप ये देख लीजिए, 2 और √2 को कैंसिल कीजिए तो ये √2 आएगा, मतलब मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो ये फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, तो फ्रिक्शन आ जाएगा साहब √2/3mg। ओके, अब आप ये देखिए, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आए तो आप ब्लाइंडली, आप सडनली नहीं सॉल्व कर सकते, आप नहीं बोल सकते कि चलो यार ये गिर रहा है ये ऊपर जाएगा, और आप मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं रख सकते। हो सकता है कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जमीन से ना ले रहा हो, जमीन से मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लेगा भाई, म्यू इंटू नॉर्मल, हो सकता है कि जमीन से μn/2 ले, हो सकता है μn/4 ले, हमको कोई आइडिया नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको ऐसे ही हैंडल कीजिएगा प्लीज। अब देखिए FV क्या होगा, ये अर्थ इसको कितना से खींचेगा भाई, वो देख लीजिए, तो ये भाई साहब कितना खींचेगा, mg, और इस ओर कितना अर्थ फोर्स लगा दी इंक्लाइन के पैरेलल, mg sin थीटा, और sin थीटा कितना है √2। अब आप ये देखिए बड़े भाई, यहां पर क्या होगा, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर फ्रिक्शन इस पर लगेगा। पहले हम चेक कर लेते हैं, पहले हम थ्रेड को भूल के, थ्रेड को अभी नहीं सोचेंगे, अभी देखेंगे कि इंडिपेंडेंटली कितना कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब ये बताइए इस पर कितना होगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, तो इस पर कितना लगेगा FA, तो देखिए भाई म्यू कितना था इसका 2/3, मतलब इसके बीच में रफनेस कितना था 2/3। वन मिनट, तो FA म्यू mg cos 45, cos 45 कितना होगा इनटू 1/√2, 1/√2 मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। आप एक बार फिर सुनिएगा, म्यू 2/3, म्यू mg cos 45, cos 45 की जगह पर 1/√2 रख दीजिए, तो ये √3/mg आएगा। तो आप ठीक से देखिए, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हमको फर्दर क्या दिमाग लगाना भैया, कि देखते हैं A और B पर किधर भागेगा। तो आप देखिए A पर 2mg/√2 फोर्स है, और इस पर देखिएगा mg/√2 फोर्स है, इन दोनों पर फ्रिक्शन आप गौर कीजिए, √2/3mg, और इसका भी √2/3mg है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स सेम है, मैक्सिमम जमीन से जो लेगा, जो इंक्लाइन प्लेन से जो लेगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है जीनियस, सेम। इसका मतलब ये है कि आखिर अगर मैं इसको थ्रेड से कनेक्ट कर दूं, तो ये भैया किधर जाएगा, तो ये भाई साहब ये नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि 2mg/√2 है। आप इधर देखिए 2mg/√2, और ये क्या है mg/√2, इसका मतलब ये सिस्टम ऐसे गिरेगा, बात क्लियर है, ये सिस्टम ऐसे गिरेगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे लगेगा। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा आपको कि पहले मैं ये थ्रेड को थोड़ा सा दिमाग से, मैं अभी थ्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं पहले ये सोचूंगा कि इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इस पर भी अर्थ ऐसे खींचेगी, और फ्रिक्शन अपोजिट और फ्रिक्शन अपोजिट, तब मैं दिमाग लगाऊंगा कि अरे यार यहां पर ये फोर्स ज्यादा है, तो ये सिस्टम ऐसे गिरना चाहेगा, ये सिस्टम एक्सलेट ऐसे होगा। ओके भाई साहब, सिस्टम ऐसे एक्सलेट होगा, इसका मतलब ये है, देखिए इसे मतलब ऐसे एक्सलेट होगा सिस्टम प्लीज। अब देखिए क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, इसके बाद आपको क्या सोचना है, इसके बाद
देखिए ये सब क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे चलिएगा प्रैक्टिस के लिए, तो ये फोर्स ज्यादा है तो ये ऐसे एक्सीलरेट होगा, तो इससे साफ स्पष्ट है कि ये जो फ्रिक्शन होगा वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, मतलब ये जो फ्रिक्शन होगा भैया वो किधर लगेगा, ऐसे, क्योंकि ये बात अब स्पष्ट हो गया, ये बात क्लियर कट है कि ये सिस्टम ऐसे गिरेगा अगर अगर मतलब क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, यानी ये सिस्टम ऐसे जाना चाहेगा तो इस पर ए पर फ्रिक्शन ऊपर ना लग के नीचे लगेगा, डाउन द इंक्लाइन, क्यों भैया, एक मिनट देखिए, ए और ये इंक्लाइन ऐसे फंसा हुआ है, ओके, और ये इंक्लाइन है तो जाहिर सी बात है ये ऊपर जाना चाह रहा है ये वाला, और ये इंक्लाइन है तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, देखिए इंक्लाइन रफ, तो ये इंक्लाइन प्लेन नीचे खींचेगा, वो अपोजिट लगेगा, तो इस पर फ्रिक्शन नीचे होगा। अब देखिए इतना करने के बाद हमें अब ये पता नहीं है, बात को समझिएगा, हमें अब ये पता नहीं है कि जो ये फ्रिक्शन है एफ ए वो मैक्सिमम होगा कि नहीं, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन बदल गया भैया, डायरेक्शन बदलने के साथ साथ क्या मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, तो अब हमको चेक करना पड़ेगा भाई साहब कि मैग्नीट्यूड बदलेगा कि नहीं, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होता है, म्यू इंटू एन, थोड़ा सा बात को समझिएगा, इसका मतलब ये है कि पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा, एक बात आप समझिएगा है ना, कि जब ये सिस्टम नीचे जाएगा एक्सेलरेट होगा तब टेंशन जो होगा थ्रेड में वो कम होगा, जब ये रुका हुआ रहेगा तो ऑब्वियसली टेंशन क्या होगा, ज्यादा, क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि अर्थ ऐसे लगा रही है, फ्रिक्शन ऊपर लगाएगी, टेंशन ऊपर लगाएगा, लेकिन जब वो एक्सेलरेट होगा तो ये फोर्स और ऊपर का टेंशन और फ्रिक्शन, टेंशन और फ्रिक्शन से ये फोर्स बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है कि ये जब नीचे जाएगा तो टेंशन की वैल्यू ऑब्वियसली घट जाएगा, अगर टेंशन ज्यादा होगा तो ये नीचे जाएगा ही नहीं, कॉमन सेंस हम लोग को लगाना है भैया, मतलब टेंशन का वैल्यू जीनियस कब कम होगा, जब एक्सेलरेशन होगा, और टेंशन का वैल्यू कब भाई साहब, कब टेंशन का वैल्यू ज्यादा होगा, ऑब्वियस है, टेंशन ज्यादा होने का क्या मतलब है, ये नीचे नहीं जाएगा अगर टेंशन ज्यादा होगा तो, ओके ठीक है, तो अब देखिए इतना करने के बाद हमें क्या चलना पड़ेगा कि पहले मैक्सिमम टेंशन आप निकालिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक बात तो स्पष्ट हो गया फ्रिक्शन, अब इसको चलने के लिए, ऊपर चलने के लिए, ए को ऊपर चलने के लिए कितना टेंशन चाहिए वो आप देख लीजिए, तो टी ए टेंशन थ्रेड ए एट ए है ना, तो कितना होगा आप ये बता दीजिए, तो एक तो एफ ए है और एक कितना है अर्थ, ये देखिए अगर मेरा बात समझिएगा, अगर ये टेंशन अर्थ के पुल से जीनियस और फ्रिक्शन से, अगर इन दोनों से बड़ा हुआ टेंशन तब भागेगा, तब एक्सेलरेट करेगा, तब वो रन करेगा, ठीक है, तब अपना वेलोसिटी चेंज करेगा ऊपर की ओर जब टेंशन बड़ा हो, तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 2m टेंशन इससे ज्यादा दे पाने में कैपेबल है, और ये मैक्सिमम टेंशन कितना होगा भैया, ये एफए कितना होगा, ऑब्वियसली तो एफए देखिएगा, एफए कितना होगा, तो एफए होगा म्यू इनटू नॉर्मल, तो अभी जस्ट मैंने निकाला था एफए रूट 2/3 mg, रूट 2/3 mg आया था। अब देखिए अगर ये टेंशन ए पर इससे ज्यादा होगा तो ये भागेगा, नहीं तो नहीं भागेगा, ठीक है, तो चेक करते हैं ये टेंशन कितना होगा थ्रेड में, चेक कीजिए, तो टेंशन इन ऑन बी साइड ब्लॉक तो कितना होगा भाई साहब, 2mg/√2 प्लस इसको ए प्लस क्या होगा जीनियस, इतना और ये टेंशन प्लस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को इधर कर दीजिए, माइनस
ऐसा। अब ये देखिए, ये जो 2M होगा वो मैक्सिमम थ्रेड में टेंशन, अब मेरी बात को अच्छे से समझिए प्लीज, 2M जो होगा इस थ्रेड में मैक्सिमम टेंशन इतना क्रिएट करेगा। अगर ये थ्रेड में टेंशन 2M इतना दे दे कि ये रन कर जाए, मेरा टारगेट यही है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 2M दे रहा है कि नहीं, तो 2M मैक्सिमम इतना टेंशन देगा, ठीक है। अब देखिए ए ए ये ए को ऊपर भागने के लिए कितना मैक्सिमम टेंशन ए को चाहिए, इतना। तो चेक कीजिए कि अगर बी टेंशन, मतलब अगर ये दे पान, ये जो टेंशन दे रहा है, अगर इसको भागने के लिए जितना टेंशन चाहिए, भागने के लिए जितना टेंशन चाहिए, अगर उतना उससे ज्यादा टेंशन ये दे रहा है, तब तो ये भाग जाएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एम जी बाई रूट टू प्लस एम जी बाई रूट टू। देखिए इसको एम जी बाई रूट टू है ना, इसी कारण मैंने फ्रैगमेंट कर दिया है। तो ये 2mg को आप लिख सकते हैं एम जी बाई रूट टू प्लस एम जी बाई रूट टू माइनस दिस वन, लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और क्योंकि ये mg by root 2 है, यहां भी mg by root 2 है, या आप यहां प्लस भी कर सकते हैं। वन मिनट, अगर आप प्लस करेंगे, चलिए आप ऐसे ही करते हैं। अब आप ये देखिए भाई साहब, यहां पर 3 2 2 3। अब देखिए root 2 by 3, अब ये 3 by 2, मतलब tv कितना आ जाएगा, mg by root 2 और प्लस इसको कॉमन ले लीजिए root 2 by 3 mg, और ये देखिएगा root 2 by 3, ये 3 by 2 माइनस 1। तो tv जब आप सॉल्व करेंगे तो tv कितना आ जाएगा जीनियस, mg by root 2 root 2 by 3 इंटू एम जी बाई टू, ये 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, हम समझ गए कि बी अधिक से अधिक टेंशन कितना क्रिएट करेगा, इतना एम जी बाई रूट टू डिवाइडेड बाई रूट टू एम जी बाई 6। अब देखिए ए को रन करने के लिए, ए को रन करने के लिए कितना टेंशन चाहिए, इससे ज्यादा। तो हम देख रहे हैं इससे ज्यादा देंगे तो भागेगा, लेकिन भाई साहब ये तो कम है, टीवी कम है, देखिए कैसे कम है, ये mg by root 2, ये mg by root 2, लेकिन ये भाई साहब कितना है root 2 by 3 mg, और ये root 2 by 6 है, यहां 3 यहां 6, मतलब ये कम है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि टीवी लेस देन क्या है, टी ए, टीवी लेस देन क्या है जीनियस, टी ए। देखिए हम लोगों ने ये जो चेक किया, हम लोग को ये पता चल गया था शुरू में कि ये 2M नीचे गिरने वाला है, और 2M नीचे गिरने वाला है और A पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो ये जब नीचे गिरेगा तो हमने ये चेक कर लिया कि आखिर ये कितना टेंशन प्रोड्यूस करेगा, और इसको कितना टेंशन पर ये भागेगा, तो इससे ज्यादा टेंशन देंगे तो ये रन करेगा, ये सरफेस ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों का सरफेस ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, फ्रिक्शन ब्रेक होगा भैया, रफनेस ब्रेक होगा दोनों का। वन मिनट, एक मिनट, इसको यहां रखते हैं। देखिए ये दोनों रफनेस ब्रेक होगा तभी ना भागेगा भाई साहब ऊपर की ओर, और रफनेस ब्रेक नहीं होगा तो कैसे भागेगा। हमें पता चल चुका है कि ये नीचे गिरेगा तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये भी बात सही है जीनियस कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू एन होता है। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि क्या ये जमीन को कितना फ्रिक्शन, जमीन से कितना फ्रिक्शन ले सकता है, जो कि डिपेंड करेगा इस थ्रेड में कितना टेंशन बी ने क्रिएट किया।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपका अभी फ्रिक्शन शुरू हुआ है तो आप स्लोली चलिए। तो इसका मतलब यह है कि ए को भागने के लिए इससे ज्यादा टेंशन देना पड़ेगा और बी इतना टेंशन देगा। तो हमने जब सॉल्व किया तो मैंने पाया कि जो देने वाला टेंशन है बी, वो लेस पाया गया टेंशन ए के। ए मतलब कि हाँ भाई इससे ज्यादा टेंशन में भाग जाएगा, सरफेस तोड़ के भाग जाएगा, रफनेस ब्रेक करके भाग जाएगा। ओके वन मिनट। अब देखिए तो हम समझ गए हैं इसकी, इसके बाद अब हमें क्या जाननी है, अब मैं सॉल्व करता हूं। देखिए एक बात तो क्लियर कट हो गया कि बी जो फ्रिक्शन, बी ए को नहीं ब्रेक कर पाएगा, बी पर फोर्स ज्यादा लग रहा था तो बी नीचे गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन एक एक ए का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो ए का सरफेस ब्रेक नहीं होगा। मींस आप खुद देख सकते हैं भाई साहब, टेंशन बी, बी इतना देने के लिए तैयार है लेकिन ए, ए का ज्यादा टेंशन आ रहा है इस इक्वेशन से, मतलब इतना टेंशन पर ही ये टूटेगा सरफेस ए का और वो भागेगा। इसका मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे कि ये सरफेस टूटेगा नहीं और ये भागेगा नहीं। मींस जीनियस, एक मींस इसके एक्सेलरेशन क्या होंगे, जीरो, और बी के भी एक्सेलरेशन क्या होंगे, जीरो। तो आपको एक्सेलरेशन पता चल गया क्योंकि सरफेस ब्रेक नहीं होगा। अब रही बात हमको किसका, टेंशन और फ्रिक्शन का। तो टेंशन तो आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो देखना पड़ेगा आपको ये फोर्स और ये फोर्स, देखिए ये रूट टू बाई थ्री है मैक्सिमम फ्रिक्शन, और ये कितना है भाई साहब, कितना था, ये रूट टू एम जी है, ये रूट टू एम जी है और ये रूट टू बाई थ्री है, मतलब ये फ्रिक्शन कम है इस एक्सटर्नल फोर्स से जो सरफेस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रिक्शन, ये 2m इस इंक्लाइन सरफेस से इतना फ्रिक्शन ले सकता है, मतलब कि हमें पता चल चुका है कि फ्रिक्शन b पर जो होगा वो 2/3 √2/3 mg होगा, और हमें पता चल चुका है कि टेंशन कितना क्रिएट होगा, टेंशन इतना क्रिएट होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐसे अब ये थ्री और ये सिंगल, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2√2 mg/3 ये टेंशन होगा। तो आप टेंशन को भी सॉल्व कर लिए, एक्सीलरेशन को भी सॉल्व कर लिया। अब हमको चलना है भाई सब क्या कि ए के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा, ए और इंक्लाइन प्लेन के बीच में। देखिए तो हमें पता चल चुका है कि ये लाइट थ्रेड है और ये पुली भी लाइट है, तो जितना टेंशन इधर होगा उतना इधर होगा, और आपको टेंशन पता चल चुका है, टेंशन कितना पता चल चुका है बताइए, 2√2/3 mg। अब ये टेंशन जीनियस, ये टेंशन जीनियस कितना होगा, अर्थ और फ्रिक्शन के, तो अर्थ कितना से कूल किया था, याद कीजिए mg साइन 45 से। ये क्लियर हो चुका है कि ये एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, तो जितना टेंशन फोर्स होगा उतना फ्रिक्शन प्लस अर्थ होगा, तो फ्रिक्शन प्लस अर्थ। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एफ कितना आ जाएगा, 2√2/3 mg/mg/2√2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए,
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप फ्री रूट टू तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 4, और 4mg माइनस 3mg तो ये आपको आ जाएगा mg बाय 3√2, कितना हो जाएगा 4mg माइनस 3mg, mg बाय 3√2, आप इन न्यूटन में भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हुआ। एक बार फिर मैं ये ब्रीफिंग कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखिए भाई साहब, एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमें ये बतलाना चाह रहा है कि कैसे आप क्वेश्चंस को, कैसे आप न्यूमेरिकल को हैंडल करें। हमको ये अलर्ट करना चाह रहा है कि हाँ भाई, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता और डायरेक्शन भी चेंज होता। तो पहले मैं इस थ्रेड को हटाना पड़ा और देखना पड़ा कि या थ्रेड रहने दीजिए, देखना पड़ा कि कौन गिर रहा है नीचे और कौन मतलब किसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। तो हमने चेक किया ये फोर्स ज्यादा था तो ये नीचे गिरता और तो इस पर फ्रिक्शन ऊपर लगता। फिर चेक करना पड़ा कि ये इस पर जितना एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल इस सरफेस के पैरेलल जितना लग रहा है, फ्रिक्शन उससे कम है, 1/3 है। देख लीजिए, इसका मतलब ये 2m जो होगा इस इंक्लाइन सरफेस से, जमीन से बड़ा से बड़ा फ्रिक्शन ले सकता है। तो हमने ये पकड़ लिया। फिर ये देखिए भाई साहब, फिर यहां से अब एक बात ये हुई कि ये जब नीचे जाता तो ये ऊपर जाता तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब यहां एक और प्रॉब्लम हुआ कि इस पर फ्रिक्शन पीछे लगा तो भैया इस पर फ्रिक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, वो लिमिटिंग होगा कि उससे कम होगा। तब हमको दिमाग लगाना पड़ा कि पहले चेक कर लिया कि ये कितना टेंशन पर भागेगा। आखिर ये जितना मतलब आकर जब आप उससे ज्यादा टेंशन अगर क्रिएट हो जाएगा तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमने पाया कि इस 2m ने उतना टेंशन क्रिएट नहीं किया, इसका मतलब ये भाग ही नहीं सकता। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो फिर एक और प्रॉब्लम आया कि ये जमीन जो होगा वो जमीन दे सकता कि नहीं म्यू इन। तो हमने जब सॉल्व किया तो पाया कि जमीन नहीं दे सकता म्यू इन, जमीन ये इंक्लाइन सरफेस इधर की ओर इतना फ्रिक्शन देगा, mg by 3√2। ओके जीनियस, तो आप ऐसे चलिएगा, ये क्वेश्चन ठीक है, आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, देख लीजिए प्लीज।